सर 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। हम भी तैयार हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या? सर को पता है कि उनकी जान के कितने दुश्मन हैं, फिर भी सर बेधड़क निकल जाते हैं। अगर सर इतना सोचते और डरते तो यहाँ नहीं होते जहाँ है। हाँ बोलो। हाँ हाँ आ रहा हूं मैं। बाय। ऑल सेट? यस सर। सर जहाँ आप जाने वाले हैं हमने उस जगह को अच्छी तरह से स्कैन कर लिया है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुड, वेरी नाइस। सर एक मिनट, हम बाहर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। यहाँ सब कुछ ठीक है? पिछली सीट पर भी सब ठीक है। तो एक काम करो, तुम बॉस को बुला लाओ, मैं आगे की सीट चेक करती हूँ। ओके। जल्दी से अंदर जाइए। कौन हो सकता है? हाँ हाँ यार अभिजीत, मुझे पता है कि मुझे 7 बजे तक तुम्हारे घर पहुंचना चाहिए था, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? एसीपी साहब ने कहा कि एक पुराने केस के बारे में पता करो, मगर इसमें मेरी क्या गलती है? रहने दे यार, तुम्हारे तो बहाने बहुत हैं। चल ठीक है, जल्दी पहुंच। तुम फोन रखोगे तभी पहुंचूंगा ना, वैसे भी ड्राइव करते वक्त फोन पे बात करना ठीक नहीं। भाई साहब क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? कौन हो तुम लोग? मारो इसे! भाई साहब आप उठिए उठिए, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। कौन तुम लोग? हाँ डॉक्टर,
कैसा है वो? Well, he is well now. ज्यादा कट गया था, लेकिन घाव कुछ ज्यादा गहरा नहीं है, कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। वैसे कौन है ये? पता नहीं, एक बार होश में आ जाए तो बात करूं। अभी हम उसे वार्ड नंबर 103 में शिफ्ट कर रहे हैं, तब तक आप कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज प्लीज पूरी कर लीजिए। ओके, ठीक है। क्या फॉर्मेलिटी? शैलेंद्र, चलो जरा मरीज को शिफ्ट करना है। सर, सर, सर। यस। सर, वो मरीज भाग गया। लेकिन तुम तो उसके साथ थी ना? सर, उसके हाथ से पानी का जग गिर गया था, तो मैं सफाई करने वाले को बुलाने गई थी। मगर तुमने उसे अकेले कैसे छोड़ दिया बिना अटेंडेंट के? सॉरी सर, वो अभी हॉस्पिटल में ही होगा, हम अभी उसे ढूंढते हैं। वार्ड बॉय नर्स, जरा देखो कहाँ है, ढूंढो उसे जल्दी। जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी। मेरा नाम नताशा है, मैं आपसे कुछ बात। एक मिनट मैम। हाँ अभिजीत, यार कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। हाँ मैं आ ही रहा था, मगर रास्ते में यार वो नहीं, आने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, मैं देख लूंगा। ओके ओके। अरे यार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मूड मत खराब करो। हम लोग बच्चों के एग्जीबिशन सेंटर में गेस्ट बन के आए हैं। हाँ, उसका स्केच तो बनवा ही लिया ना? अरे मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। वेलकम सर, बच्चे आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। या हेलो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बच्चों के लिए टाइम निकाला है। बच्चे आप लोगों को देख के कितने खुश लग रहे हैं। सर, हम आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों से हमारे ट्रस्ट को अच्छी रकम डोनेट की है। हाँ क्यों नहीं, कहाँ है वो? सर, वो आ गए। यहाँ कैसे? ये वही है क्या? हाँ सर, आप इन्हें जानते हैं? वो अब यही बताएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? CID। बता क्यों भागा था तू वहां हॉस्पिटल से? कॉलर छोड़ो। सर ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो इसके साथ करना चाहिए। देख जल्दी बता दे, वरना अगर हम उगलवाएंगे ना तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। क्या बोलूं? यही कि कल रात हॉस्पिटल से क्यों भागे थे तुम? हॉस्पिटल? कैसा हॉस्पिटल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही आप लोग क्या कह रहे हैं। और वैसे कल रात को मैं फाइसर होटल में था। झूठ बोलने वाले से मुझे बहुत तकलीफ होती है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। झूठ वही बोलते हैं जो डरते हैं, और अर्जुन कुमार किसी से डरता नहीं है। और तुमने मेरा कॉलर पकड़ के सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, इसका भुगतान तुम लोग करोगे। डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा तुम लोगों पर मैं। तुमको जो करना है वो करो, पहले ये बताओ कि तुम्हें घायल किसने किया था? घायल? हॉस्पिटल? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और मैं इनको पहली बार मिल रहा हूं। अच्छा, उसे पहली बार मिले हो? ये देख, स्केच तेरा ही है ना? हाँ? अगर मैं तुझसे पहली बार मिला हूं तो तेरा ये चेहरा क्या मेरे सपने में आया था? हाँ? चल चल कपड़े उतार। जब देखो ये ठीक नहीं कर रहा, ये सरासर जबरदस्ती है। आप सबकी नौकरी खतरे में है। खतरे में तो बेटा तू है। चल कपड़े उतार। नहीं उतारूंगा। जल्दी कर, वैसे भी तूने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। चल उतार। सर मेरी गन। सर मेरी गन निकाल ली किसी ने। तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे पास आओ। बच्चे सब ठीक है?
आप लोग सब बाहर जाइए प्लीज सर, जल्दी। शामली जी, इसको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, पर गोली किसने चलाई? वो हम पता कर लेंगे, आप इन बच्चों के साथ बाहर जाइए प्लीज। ये किसी ने जानबूझ के हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। जरा देखो तुम्हारी गन का। आप लोगों ने गोली तो नहीं चलाई? नहीं तो सर, हम तो खुद ही हैरान है कि आखिर गोली चलाई किसने। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। सर बड़े, मेरी गन तो मिल गई मगर इसमें से गोली नहीं चली। कोई नहीं, तो अच्छा हुआ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब यहां से निकलना होगा। और अर्जुन? अरे अर्जुन से बाद में निपटेंगे, बस चलो यहां से, मैं कह रहा हूं। क्यों? उसे हम साथ में लेके जाएंगे, वो अपराधी है। अरे शक के बिना पे हम लोग किसी पे उंगली नहीं उठा सकते यार, सबूत चाहिए। सबूत? कैसे सबूत नहीं, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने उसे देखा, स्केच बनवाया, सबूत तो है। जब तक सबूत मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं मुझे विश्वास नहीं है। अर्जुन से बाद में निपटेंगे, अभी यहां से चलो बस। अरे मगर अभिजीत, हमें हमें उस आदमी को पकड़ कर ब्यूरो लाना था, उससे सच बोलवाना था। तो तुम हो के उसे छोड़कर मुझे यहां खींच लाए। अरे दया, वो आदमी वो नहीं है जिस तुम सोच रहे हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती अभिजीत, वहां पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस आदमी को देखा, इस आदमी को सब लोग पहचान लेंगे इसे। अरे मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम पर भरोसा है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहां आया, मगर उस आदमी पर भरोसा नहीं है, बहरूपिया है वो। जो तो शक है कि कोई अपराधी भी। अरे यार शक की बुनियाद पे हम किसी पे दबाव नहीं डाल सकते दया। अभिजीत, उसने कोई ना कोई गुनाह किया है इसीलिए वो वहां हॉस्पिटल से भागा, वो भी घायल हालत में। नहीं नहीं नहीं, उसका सीना उसका कंधा मैंने चेक किया था, वहां घाव तो क्या खरोंच के निशान भी नहीं है। इधर देखो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अर्जुन कुमार है और उसके खिलाफ कहीं भी कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सुन सुन के मेरा दिमाग घूम गया सर, ये कैसे हो सकता है? जिस आदमी को दया सर ने देखा उसे चोट लगी हुई थी और जब आपने उसे देखा तो वो सही सलामत था। अरे वो आदमी नहीं है यार, बता चुका हूँ। ये आदमी हमें धोखा दे रहा है अभिजीत, कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है हमारे साथ। हाँ मगर यार एक्शन लेने से पहले कोई सबूत तो चाहिए ना। सबूत मैं ढूंढूंगा। हाँ तो ठीक है, सबूत मिलेगा तो पकड़ लेंगे, निकल। हेलो, आप जिसे ढूंढ रहे हैं मुझे पता है वो कौन है। क्या? रूम सर्विस, आ जाओ अंदर। हाँ क्या? 30 लाख? 30 लाख क्यों? मैं तुम्हें नोट भी सुनने नहीं दूंगा। क्या सोचकर फोन किया तुमने इसके? हाँ ये एसके साहब को ना हमेशा ही नई चद्दर और टावल चाहिए होता है। ये एसके साहब जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरवाजा खुला है? एसके साहब, एसके साहब, एसके सर, कहाँ हैं आप? एसके सर, कहाँ? एसके सर, राज,
चाहिए सर। लाश कहाँ है? लाश बाथरूम में। मौत जहर की वजह से हुई है। कहाँ सर? मुंह पर खून के साथ चावल भी लगा हुआ है। देखो कमर में और कुछ है क्या? और ये एसके आया कहाँ से था? सर हांगकांग से। हर साल यहाँ आते हैं। और तुमने जहर दे के मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने खुद खाना टेस्ट किया था सर। उस स्टाफर और वेटर को बुलाओ। जी अभी बुलाता हूँ। सर, सर ये बैग कुछ हैवी सा लग रहा है। सर शायद इसकी लाइनिंग में कुछ है। करेंसी सर ये तो नकली है। तो इसका मतलब ये एसके नकली नोटों की तस्करी करता था। सर इसी ने सबसे पहले एसके साहब की लाश को देखा था। सर मेरे से पहले तो वो वेटर यहाँ पर खाना लेकर आया था। कहाँ है वो वेटर? सर वो वेटर नहीं था, वो कोई और था। कोई और मतलब? सर वो उसने हमारे होटल के कपड़े पहने हुए थे। और अब वो होटल में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो अपने काम करके निकल गया होटल से। और मैनेजर साहब आप, आपके होटल में एक बाहर का आदमी आता है, खून करके गायब हो जाता है और आपको पता तक नहीं चलता। क्या कर रहे थे आप? सर कल ही दो नए वेटर ज्वाइन किए, मुझे लगा उन्हीं में से कोई एक होगा। चेक है लिफ्ट और ये कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज चेक करना हमें। एक मिनट मयूर, जूम करना जरा। ये तो वो स्केच वाला ही आदमी जो हॉस्पिटल से भाग गया था। यही आदमी एग्जीबिशन में भी था, अर्जुन कुमार। क्यों सर ये स्केच वाला आदमी यहाँ पे वेटर बन के आया था। एसके को उसने खाने में जहर मिला के दिया और एसके मर गया और वो गायब हो गया। क्या ये तो अर्जुन गिरीश का जुड़ाव है। मैं अभी गिरीश से मिलकर आ रहा हूं। सर उस औरत ने यहां क्यों बुलाया हमें? कितनी सुनसान जगह है, दिन में भी डर लगता है। हाँ सर सोचिए रात में इधर कितना डर लगता होगा। पंकज वो औरत खुद डरी हुई थी किसी से, शायद इसीलिए उसने हमें यहाँ अकेले मिलने के लिए बुलाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम? Excuse me, sir. जी? मैं आपसे कुछ बात। एक मिनट मैम, तुम वहाँ हॉस्पिटल में मिली थी ना? जी मेरा नाम नताशा है, मैं हॉस्पिटल में ही आपसे कुछ बताना चाहती थी लेकिन आप काफी परेशान थे और मैं बहुत घबराई हुई थी। बोलो क्या बताना चाहती हो अर्जुन के बारे में? आपके सवालों का जवाब अंदर है, चलिए मेरे साथ। रेडी पंकज, अलर्ट रहना। आइए सर। तुम आर्ट एग्जीबिशन में अभिजीत के वजह से बच गए, तुम अब नहीं बचोगे। मैं वो नहीं हूं सर जो आप समझ रहे। मैं गिरीश, 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 वो अर्जुन है। वो अर्जुन है तो गिरीश है, और कितने नाम है?
एक ही नाम है सब सर, ये देखिए सर, सर मैं वही हूँ जो हॉस्पिटल से भागा था। सर अभिजीत सर ने कहा तो था ना कि अर्जुन के कंधे पे एक भी जख्म का निशान नहीं था। सर यही बताने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया कि ये अर्जुन नहीं सर गिरीश है। हाँ सर, सर वो मेरा छोटा भाई है सर, सर बहुत खतरनाक है सर, सर मेरी बीवी और बेटी को कैद करके रखा है सर, मुझे बचा लीजिए, वो सर मुझे मुझसे गलत काम करवाता है सर। सर ये सच बोल रहा है, मैं अर्जुन की पीए हूँ और उससे छुप कर इस बेचारे की मदद कर रही हूँ सर, प्लीज आप लोग कुछ भी करके इसे अर्जुन के चुंगल से बचाइए सर प्लीज। तुम दोनों जुड़वा हो लेकिन जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख लेता मैं तुम्हारे इस कहानी पे यकीन नहीं कर सकता। मैंने गिरीश और नताशा की निगरानी के लिए फ्रेडी और पंकज को वहां पे छोड़ के आया हूं। सर अगर ये दो है तो ये स्केच वाला आदमी जरूर अर्जुन ही है। और इस अर्जुन की गर्दन बहुत जल्द मेरे हाथ में होगी, वो भी एक खून के जुर्म में जो इन लोगों ने यहाँ पे किया है। एक काम करो, इस अर्जुन के बॉडीगार्ड को फोन करो, पता करो कि इस वक्त ये अर्जुन है कहाँ। वैसे काफी बड़ी डील की है तुमने इस बार, इसे पूरी भी करोगे ना? लगता तुम मुझे पहचानते नहीं हो अभी तक, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल। अच्छी बात है, हम भी देखते हैं। तुम बस पेमेंट के बारे में सोचो, एक हाथ से सौदा और एक हाथ से मुझे मेरा पैसा। पैसा तैयार है। सर आप यहीं रुकिए, हम कार मंगवाते हैं। क्यों, मैं वहां तक चल नहीं सकता? नहीं सर प्लीज, आपका ऐसे खुले में घूमना ठीक नहीं होगा। कुछ भी नहीं, चलो। तो गोलियां चल रही सर। अर्जुन 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 गोली वहां से चली है, जाके देखो। अर्जुन होश में आओ, होश में आओ, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। इशिता। यस सर। अर्जुन। वाओ। मैं अर्जुन नहीं, मैं गिरीश हूँ। क्या? अर्जुन, अर्जुन सेंट्रल पार्क होटल के किसी को मारने। क्या बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं गिरीश को फ्रेडी और पंकज के साथ छोड़ के आया था। क्या कर रहे हो? अबे पंकज तेरा फोन बज रहा है, नेटवर्क आ गया। क्या सर आप बात करो, मैं बात नहीं करूंगा। तेरा फोन है, तू बात कर, तू बात कर। दया सर, ये गिरीश है ना तुम्हारे साथ? सर इधर नहीं है सर, वो हमको उल्लू बना के यहाँ पे हथकड़ी बांध के भाग गया सर। मुझे माफ कर देना सर, पीवी अब बच्चों के लिए करना पड़ रहा है। ओके सर। अब ये रोना वोना बंद करो, वहां से बाहर निकलो, कैसे भी दरवाजा तोड़ो, कुछ भी करो। दरवाजा तोड़ के तो गिरीश ही है, इसका मतलब है अर्जुन ने हमें धोखा दिया। जल्दी संभाल के वंश, ऋषिता तुम लोग भी जाओ, इस पे कड़ी नजर रखो। जल्दी पूर्वी लाशों को भिजवाने का इंतजाम करो,
और इस सेंट्रल पार्क होटल में जाना होगा। पता नहीं अर्जुन किसकी जान लेने वाला है वहां। मानव उठो। ए, छोड़ मुझे। अर्जुन तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ भी जाने दो मुझे। रुको, मैं देखो क्या हुआ। हटिए आप लोग, प्लीज हटिए। क्या हुआ ने? कौन है? मेरा दोस्त है मानव, अभी तो ठीक था, पता नहीं क्या हुआ इसे। सर, एक जहरीली पिन से मारा गया है। सर, गिरीश कह तो रहा था ना कि अर्जुन यहाँ पे किसी को मारने आने वाला है। मैंने किसी को नहीं मारा है। पता नहीं कौन है ये, ये आदमी मुझे और मानव को बहुत देर से घूर रहा था। झूठ बोल रही है, मैं छोड़ दो। सच क्या है वो तो ब्यूरो चल के पता चलेगा। मयूर, बॉडी को फोरेंसिक भिजवा दो। चल सर, चल। ये तुम ही हो ना? क्यों? नहीं सर, मैं नहीं हूं। नहीं? तो फिर तुम ये हो सब। सर सच है कि फुटेज में मैं ही हूं। देखिए सर, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। मैं एसके से मिला और चला गया, और सेंट्रल पार्क में भी मैं उस आदमी से अपने पैसे वसूलने गया था। देखिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हो तुम। सर आपको मेरी बातें झूठी लग रही, क्योंकि गिरीश ने सारी बनी बनाई बातें सुनाई है आपको। सर वो मुझे फंसाना चाहता है। गिरीश तुम्हें फंसाना चाहता है, मगर तुमने उसकी बीवी और बेटी को कब्जे में रखा है। सर उसकी बीवी नहीं है तो बेटी कहां से आएगी? बस, और तुम मुझे सटक ली। दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों भाइयों ने। एक तो साथ में दिखते नहीं, और उसमें से जो मिला उसकी नई कहानी। सर मैं आपको सच बताता हूं, सर गिरीश मुझे जेल भिजवा कर मेरी दौलत हथियाना चाहता है। नहीं, 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 नहीं। देखो अर्जुन, जब तक हम तुम्हें और गिरीश को दोनों एक साथ नहीं देखेंगे, तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं होगा। इस अर्जुन ने वो दोनों खून नहीं किए बॉस, ये बेकसूर है। मगर डॉक्टर साहब, सारे सबूत इसके खिलाफ है। दया, सबूतों की सच्चाई मैंने पता कर ली है। कैसे? सारू की ऑटोप्सी के वक्त तुमने कहा कि एसके जहर से मरा है, और अब कह रहे हो कि अर्जुन ने खून किया ही नहीं। बस एसके जहर से जरूर मरा है, लेकिन अर्जुन ने उसे जहर नहीं दिया। अरे सर, अर्जुन हो या गिरीश, वो एसके के रूम में खाना लेकर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अभी जी, मौत खाने के वजह से हुई नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बता दूं, दरअसल इस खाने में जहर है ही नहीं। आओ दिखाता हूं।
ये लो पढ़ लो। टॉक्सिन एडमिनिस्टर्ड 5 आवर्स प्रायर टू डेथ, मतलब एसके को उसकी मौत के 5 घंटे पहले जहर दिया गया था, अर्जुन के उसके कमरे में पहुंचने से पहले। जी हाँ। मैं डॉक्टर साहब, मानव का खून तो उसी ने किया था ना, उस जहरीली डार्ट से। नहीं, वो जहरीला डार्ट भी अर्जुन ने नहीं मारा है। अरे वो कैसे? सर, मानव के दाहिने कान के नीचे ये डार्ट लगा है, इसका मतलब जिसने भी इसे डार्ट मारा है वो इसके 180 डिग्री दाहिने साइड पर होना चाहिए। लेकिन जो फुटेज हमने लाउंज का देखा है उसमें अर्जुन तो मानव के पीछे बैठा है। सर, इस अर्जुन की किस्मत तो बहुत साथ दे रही है, दो दो खून कर चुका है और सबूत नहीं है। अभिजीत, लाउंज का फुटेज फिर से देखते हैं। ये देखो, ये लड़की मानो के दाहिने तरफ है, इसे ही मौका था मानो को मारने का, लगता है इसी लड़की ने किया ये। सब कुछ भी हो जाए सर, जब तक ये अर्जुन और गिरीश एक साथ नहीं दिखते मैं इस अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्जुन और गिरीश एक ही आदमी के दो नाम है या एक ही शक्ल के ये दो लोग हैं। इस केस में 6 लोग मारे गए हैं, उसमें से एक है एसके जो जाली नोटों का धंधा करता था। इस कैबरे डांसर को उठाओ और जो 6 लोग मारे गए उन सबकी कुंडली निकालो। हेलो, क्या? ओके सर। गिरीश भाग गया एम्बुलेंस से। क्या? देखिए, मैं आप लोगों को कब से यही बात कह रहा हूं कि मुझ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ तो आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? शट अप। तुम्हारा जुड़वा भाई बीच रास्ते से फरार हो गया, जब तक वो नहीं मिल जाता तुम कहीं नहीं जा सकते। मुझे तो शक है कि वो इसका जुड़वा भाई है भी या नहीं। ये कैसी जबरदस्ती है आप लोगों की? मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं यहाँ रुकू क्यों? मिस्टर अर्जुन या मिस्टर गिरीश या जो भी, तुम जो भी हो, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब एक भाई भागता रहे, दूसरे को हम पकड़ते रहे, ऐसा कब तक चलेगा? ये भाई भाई सुन सुन के मेरा सिर दर्द करने लगा है, 30 गोलियां खा चुका हूं अब तक। सर, एक बार ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे ना तो फिर ये दर्द से छुटकारा मिलेगा। सर, एक ही आदमी है, बस दो होने का ड्रामा कर रहा है। मजाक करने की भी हद होती है, वो है और मैं हूं। ठीक है, जब तक वो वापस नहीं आ जाता चुपचाप बैठे रहो। मुझे आपसे बात करनी है, एक ऑफर है। क्या बात है? अकेले में बात कर रहे हैं। इसका कहना है कि ये अभिजीत सर को क्या बोल दिया इसने? क्या पता सर, बहरूपिया है, बातों का भी बादशाह होगा। जी सर। हाँ तो हाँ, वो वैसा ही कर लेते हैं सर। ओके सर, ओके। क्या हुआ अभिजीत? यार वो
जो मन में आए करो तुम। जाने दो इसको। क्या? हाँ ये बेगुनाह है। गिरीश को ढूंढना हमारा काम है। भाई के चक्कर में कब तक इसको बिठा के रखेंगे? जाने दो। इसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। तो कभी टाइम पे आया है और ना ही आ सकता है। तुम चाहे जो भी हो, मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूं कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा मैं जो चाहता हूं वो सीआईडी भी करती है, तो तुम क्या चीज हो? पता है, मेरे सारे राइवल्स एक एक करके खत्म हो चुके हैं। एसके, मानव, मेरे चार बिजनेस एसोसिएट्स, अब तुम्हारी बारी है। लगता है आज तुम होश में नहीं हो। मैं पूरे होशो आवाज में हूं। क्या लगता है तुमको, इसे तुम्हें यहां पे बुलाया? सोचो, यहां पे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है, तुम गायब हो जाती हो, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। मारे तो तुम जाओगे अर्जुन, अभी और यहीं। तुम मारोगी? वो भी ये निकम में बॉडीगार्ड्स के साथ। मार डालो इसे। समय रहा, तेरी मौत की तैयारी मैं करके आया हूं, अब तेरी बारी। अब तो रंगे हाथ पकड़ा गया तू, हाँ? अर्जुन, गिरीश, जो कोई भी नाम है तेरा, अब किस पे इल्जाम डालेगा? हाँ? रुक जाओ। गिरीश? ओह, मतलब ये जुड़वा का चक्कर है। आदमी दो और शकल एक। गिरीश, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या क्या करता? तुझे इनके हाथे मरने के लिए छोड़ देता? देखो, मेरे भाई को छोड़ दो, वरना तुम्हारे ऑफिसर को मार दूंगा मैं। मार दो इस ऑफिसर को, मगर हाँ, पहले मैं तेरे भाई को उड़ा दूंगा। कौन हो तुम दोनों और ये सारा खेल क्या है तुम लोगों का? हम दोनों इंटरनेशनल माफिया डॉन है। पब्लिक की नजर में हम दोनों ही एक ही है। हम पूरी दुनिया के मार्केट पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए सारे राइवल्स को हटाना जरूरी था। इसलिए उन सबको मार डाला। प्लान क्या था तुम्हारा? हमारा प्लान ये था कि क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं बच जाऊंगा और गिरीश आसानी से भाग जाएगा। उस रात आपने मुझे एसके के गुंडों से बचाया था
हमने सोचा हम आप लोगों का इस्तेमाल करके अपने काम को आसानी से अंजाम देंगे। और नताशा तो मुझे शरीफ समझती थी, उसकी बेवकूफी हमेशा काम आई हमें। मगर इस बार फेल हो गए तुम लोग। हमें पता था कि तुम समायरा को मारने की पूरी कोशिश करोगे और इस बार तुम हमारे जाल में फंस गए। अब ये भाईचारा निभाना, जेल में बैठ गए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.